रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के बाद उनके बेटे का क्या हुआ, हम हमेशा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की बात करते हैं, उनके शौर्य की गाथा गाते हैं, लेकिन क्या किसी को ये पता है कि जिस बच्चे को कमर में बांधकर रानी लक्ष्मीबाई लड़ी थी, उस बच्चे का उनके मरने के बाद क्या हुआ। इस बारे में शायद ही कुछ लोग जानते होंगे। नमस्कार, मैं हूँ पिंकी, न्यूज फॉर सोशल में आपका स्वागत है। आइए आपको बताते हैं उस बच्चे के बारे में, जिस बच्चे को कमर में बांधकर रानी लक्ष्मीबाई लड़ी थी। वह उनका अपना बेटा नहीं था, बल्कि राजा राव गंगाधर राव के चचेरे भाई का बेटा था। रानी लक्ष्मीबाई को बेटा हुआ था, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद उन्होंने वासुदेव राव नियालकर के रूप में जन्मे चचेरे भाई के बेटे को गोद ले लिया था, जिसके बाद इसका नाम फिर से दामोदर राव रखा गया। गंगाधर की मृत्यु से पहले दामोदर का नाम बदल करके आनंद राव रखा गया। जब गंगाधर राव बच्चे को गोद ले रहे थे, तब वहां पर ब्रिटिश राजनीतिक अधिकारी भी वहां मौजूद थे। ब्रिटिश अधिकारियों को महाराजा की ओर से एक पत्र दिया गया था, जिसमें ये निर्देश था कि बच्चे के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाए और झांसी के साम्राज्य को उनके मरने के बाद उनकी विधवा रानी यानी कि लक्ष्मीबाई को दिया जाए। 18 जून 1958 को कोटा के सिराई में रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के बाद दामोदर जिंदा रहे। ब्रिटिश के भय से वो घोर गरीब जंगल में जाकर बसे, अपने कुछ शुभ चिंतकों के साथ रहे। दामोदर राव द्वारा बताए गए एक स्मरण के अनुसार वो ग्वालियर के युद्ध में अपनी माँ की सेना के घराने से थे। साथ में जो अन्य लोग बच गए थे, वे भी शिविर में भाग गए थे। बिठूर के राव साहिब और बुंदेलखंड के गांव के लोगों ने अंग्रेजों के विरोध के डर से, यानी कि विरोध के कारण उनकी सहायता नहीं की, उन्हें जंगल में रहने के लिए मजबूर कर दिया गया। के बाद दामोदर ने झालरापाटन में शरण ली। उनकी मुलाकात कुछ पुराने विश्वास पात्रों की मदद के कारण झालरापाटन के राजा प्रताप सिंह से हुई। एक पुराने विश्वास पात्र नैन खान ने स्थानीय ब्रिटिश राजनीतिक अधिकारी फ्लिंक को युवा दामोदर को माफ करने के लिए प्रभावित किया। अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण करने के बाद उन्हें इंदौर भेजा गया। इधर स्थानीय राजनीतिक एजेंट सर रिचर्ड शेक्सपियर ने दामोदर को उर्दू, अंग्रेजी और मराठी सिखाने के लिए मुंशी धर्म नारायण नामक एक कश्मीरी केयरटेकर को अपनी संरक्षण में रखा। उन्हें केवल 7 लोगों को रखने की अनुमति थी। इसके बाद जब दामोदर बड़े हुए तो उन्होंने इंदौर आकर शादी कर ली। उनकी पहली पत्नी की कुछ समय बाद मृत्यु हो गई और उनका विवाह फिर से शिवेर के परिवार में हुआ। 1904 में उनका लक्ष्मण राव नाम का एक बेटा हुआ। बाद में उन्होंने ब्रिटिश राज से अपनी पहचान और झांसी का राजा घोषित करने के लिए याचिका दी, लेकिन कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता देने से उन्होंने इनकार कर दिया। बताते चले कि दामोदर राव को फोटोग्राफी का बहुत शौक था। उनका निधन 28 मई 1906 को हुआ था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इतिहास की और दिलचस्प कहानियों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।